हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे NW वर्सेस SS के बीच में जो अगला T10 का मैच होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर दोनों ही टीमों के पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। NW के सारे प्लेयर्स का T10 रिकॉर्ड मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, यहां पे आपको बताऊंगा कि कौन से बॉलर आपको जो है कंप्लीट दो ओवर तक गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, किसे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए ले सकते हो, सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ। एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना, वीडियो को लाइक से स्टार्ट करना भाइयों, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, कि आने वाले T10 और T20 मैचेस का आपको इसी प्रकार वीडियो और इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। भाइयों, इस मैच का फाइनल टीम के लिए एक बार हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहां पे 30,000 से भी अधिक मेंबर ने ज्वाइन कर लिया है। बिल्कुल फ्री ग्रुप है और आपके हेल्प करने के लिए बनाया गया है, ताकि लाइनअप के बाद जो है फाइनल टीम आपको मिल पाए। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स, पहला कमेंट में आप क्लिक करके आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मैच के बारे में बात करते हैं। जो मैच है दोस्तों, नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मुकाबला होगा दोस्तों, ग्रेंडा में। और यहाँ का पिच कंडीशन अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे जो बैटिंग सरफेस काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है, हाई स्कोर देखने को आपको मिल सकता है इस ग्राउंड पे। NW के टीम की तरफ से जो आपको यहाँ पे बवेल खेलते हुए नजर आएंगे दोस्तों, या बेंजामिन फवेल जो कि बहुत बढ़िया प्लेयर है, जो कि राइट हैंड बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे। 10 मैच के T10 रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो 158 रन बनाया हुआ है दोस्तों, अच्छे बल्लेबाज है, टीम के लगभग टॉप पे बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। बैटिंग अगर आप देखेंगे, एंड्रू फ्लेटचर ये बहुत शानदार ऑप्शन रहेगा। लास्ट अगर 5 मैच अगर आप इनके देखोगे तो 135 रन बनाए हैं, साथ ही साथ 1 विकेट निकाले भी हैं। हालांकि बल्लेबाजी इनका स्ट्रांग है, गेंदबाजी कम करते हैं, लेकिन आपको ऐसे ए बैट्समैन को टारगेट करना है अपने टीम में। बाकी बात करते हैं रगीश के बारे में, राइट हैंड बल्लेबाजी करेंगे दोस्तों। यहाँ पे 10 मैच के अंदर देखोगे 265 रन बनाया है, ये आपको यहाँ पे जो है बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। डोनाल्ड जो कि 5 मैच के अंदर 119 रन बनाया है दोस्तों, ये टीम के लगभग मिडिल रुपये बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। ऑलराउंडर में अगर आप देखेंगे, किरण कोहली जो कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी करेंगे, 14 मैच के अंदर अगर आप देखेंगे तो 132 रन बनाया, साथ ही साथ 8 विकेट निकाले दोस्तों। ये जो प्लेयर है, इनको काफ़ी लोगों ने वाइस कैप्टनसी के लिए भी लिया हुआ है, कैप्टनसी के लिए भी ले रहे हैं दोस्तों। और अच्छी बात ये है ना कि ये बल्लेबाजी के साथ साथ कुछ ओवर गेंदबाजी भी करते हुए दिखेंगे। अकीम एलेक्सिस की बात करते हैं दोस्तों, ये जो राइट हैंड बल्लेबाजी करते हैं, 5 मैच के अंदर 13 रन बना के 2 विकेट निकाले हैं। सेल्डन जोसेफ जो कि दोस्तों राइट हैंड बल्लेबाजी करेंगे, 6 मैच के अंदर 35 रन बना के 3 विकेट निकाले, ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। लेकिन बॉलिंग में अगर आप चेक करेंगे तो डेरिल खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि 6 मैच के अंदर 51 रन बना के 7 विकेट निकाले, ये भी टीम के मेन गेंदबाज है, कंप्लीट आपको यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे। एलेक्स मोसेस जो कि 4 मैच के अंदर 3 विकेट निकाले हैं, 28 रन बनाते हुए दोस्तों। हस्टन जैक्सन की बात करते हैं ना, तो 8 मैच के अंदर इन्होंने 54 रन बना के 6 विकेट निकाले हैं, ये भी प्लेयर बहुत शानदार रहेगा दोस्तों, जो कंप्लीट आपको यहाँ पे दो ओवर गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। बाकी शिमोन जो कि ये हालांकि नए प्लेयर हैं, इनका कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है T10 करियर में, तो इनको आप ड्रॉप करते हुए चलना इस मैच के अंदर। वहीं दोस्तों, ये जो है ना, ये NW का रिकॉर्ड है सारे प्लेयर्स का, सारे प्लेयर्स का T10 फॉर्मेट का रिकॉर्ड आप देख रहे हो। लेकिन SS की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे है लैंडन खेलते हुए नजर आएंगे, राइट हैंड बल्लेबाजी करेंगे, 5 मैच के अंदर 142 रन बनाया हुआ है। एंड्रू जो कि दोस्तों 5 मैच के अंदर देखोगे तो 16 रन बनाया हुआ है, इनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। बैटिंग में अगर आप चेक करेंगे तो डेलन डॉगल्स खेलते हुए नजर आएंगे, राइट हैंड बल्लेबाजी करते हैं, 5 मैच के अंदर 110 रन बनाया हुआ है, 4 विकेट निकाले हैं। बल्लेबाजी प्लस गेंदबाजी दोनों करेंगे, इस खिलाड़ी को अपनी टीम में आप रख सकते हैं दोस्तों। बाकी जिलानी की बात करेंगे तो इनका कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है T10 का रिकॉर्ड में, तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। वहीं निकवे जॉन्स की बात करते हैं, राइट हैंड बल्लेबाजी करेंगे, 5 मैच के अंदर ओनली 1 विकेट निकाला, इनको भी ड्रॉप करते हुए चलना। क्लाइंट को भी ड्रॉप करेंगे दोस्तों, ये भी नया प्लेयर है। ऑलराउंडर में अगर आप चेक करेंगे तो केनेथ रेम्बर खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि 5 मैच के अंदर 53 रन बना के 5 विकेट निकाले, राइट हैंड बल्लेबाजी करेंगे, ध्यान रखना बॉलिंग भी कंप्लीट ओवर करेंगे। और इस हिसाब से जो है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी एक अच्छा विकल्प रहेगा आपके लिए। रियान जॉन जो कि 5 मैच के अंदर 5 विकेट निकाला, 105 रन बनाते हुए दोस्तों। मिकेल जोसेफ जो कि 5 मैच के अंदर 43 रन बनाया हुआ है। बॉलिंग में अगर आप चेक करेंगे तो डेरिस मार्टिन खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि राइट हैंड बल्लेबाजी करते हैं दोस्तों, राइट आर्म मीडियम बॉलर भी है, 5 मैच के अंदर 6 विकेट निकाले हैं। बल्लेबाजी कम करते हैं, लेकिन आपको एज ए बैट्समैन में ट्राई करना है, एज ए बॉलर में आपको ट्राई करना है। केएम चार्लिस जो कि दोस्तों 5 मैच के अंदर 4 रन बनाया, मैं इनको ड्रॉप करने वाला हूँ। जोसेफ थॉमस जो कि राइट हैंड बल्लेबाजी करेंगे, 5 मैच के अंदर 1 विकेट निकाला है, राइट आर्म फास्टर बॉलर है, ध्यान रखना बॉलिंग करते हुए दिखेंगे दोस्तों इस मैच के अंदर। लुइस जो है, इनका कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है दोस्तों, इनको भी आप ड्रॉप करते हुए चलना। तो देखो, ये जो है ना, ये सारे प्लेयर्स का आप स्टेट्स जो देख रहे हैं, ये T10 फॉर्मेट का है। अब आपको इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है भाइयों, अपने से आप टीम बना सकते हो। मैंने आपके लिए एक टीम बना के रखा है बिफोर लाइनअप, चलिए उस टीम की ओर आगे बढ़ेंगे।
शुरुआत करेंगे दोस्तों सबसे पहले विकेटकीपर से, जो आज आपके लिए सबसे बेस्ट रनने वाले हैं एसएस के टीम की तरफ से। ये खिलाड़ी टीम के टॉप ऑर्डर पे बल्लेबाजी करेंगे, ध्यान रखना। मैंने आपको T10 रिकॉर्ड देखा है इस खिलाड़ी का, बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, इनको जरूर लेना। बाकी बीवॉयल का भी रिकॉर्ड अच्छा है, अगर आप चाहें तो इनके जगह में बीवॉयल को भी अपने टीम में आप ले सकते हो, लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं इनको अपने टीम में लेते हुए चलूंगा। हो सकता है कि लाइनअप के बाद जो चेंज होगा वो टीम में यहाँ पे एनडब्ल्यू की टीम की तरफ से एनडब्ल्यू की टीम की तरफ से बीवॉयल को अपने टीम में ट्राई करूँ, वो टीम आपको फाइनल टीम टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। बैटिंग में अगर आप चेक करेंगे तीन बैट्समैन ए फ्लेटसर इंपोर्टेंट है, डी डॉगल्स को मैं ट्राई करूंगा, एस रेगिस भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला। ये तीन खिलाड़ी को अपने टीम में जरूर से जरूर लेना, जो बल्लेबाजी के साथ साथ कंफर्म दो ओवर तक यहां पे गेंदबाजी जो है कुछ प्लेयर करते हुए दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ गेंदबाजी करेंगे, जैसे कि एन जॉन्स अगर इस मैच के अंदर खेलते हैं तो। बाकी ये जो तीनों है ना, ये तीनों सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजी करेंगे, ये चीज का विशेष ध्यान रखना। ए फ्लेटसर कभी कभी बॉलिंग करा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक विकेट इन्होंने निकाला है, बॉलिंग बहुत कम करते हैं, लेकिन वहीं ऑलराउंडर में अगर आप चेक करेंगे तो चार ऑलराउंडर के डेम्बर के कोटी और यहाँ पे एलेक्सिस और यहाँ पे आर जॉन्स, ये जो चार प्लेयर हैं आपके टीम में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि चारों के चारों को बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी करते हुए दिखेंगे, इस वजह से इंपॉर्टेंट रहेगा। बॉलिंग में अगर आप चेक करेंगे तीन बॉलर डी मार्टिन इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों एनडब्ल्यू के टीम की तरफ से, ये भी टीम के मेन गेंदबाज है, के 40 को ट्राई करेंगे। और कैप्टनसी की बात करते हैं तो फ्लेटसर को मैं ट्राई करूंगा, वाइस कैप्टनसी के लिए डेवल्स बेस्ट रहने वाले हैं दोस्तों। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे के कोटी को भी ट्राई कर सकते हैं वाइस कैप्टनसी के लिए, या फिर के डेमर के साथ भी जा सकते हो। अभी जो है इस टीम को सेव कर लो, लाइनअप का वेट करना, इस मैच का फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है जल्दी से ज्वाइन कर लो भाइयों, इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स, पहला कमेंट में आप क्लिक करके आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं भाइयों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।